मुस्लिम समाज के बेहद पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते बाजारों में फैनी खजला इसके साथ ही अन्य खाद्य सामग्री की दुकान भी है। बता दें, लॉकडाउन के बाद से इस बार जो रौनक नजर आ रही है उससे मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। रमजान आने से पहले एक सुबरास का चांद जब होता है तो रमजान का जो है रमजान शरीफ जो है मान लो बहुत करीब आ गए और मुसलमानों के लिए सुबरात का महीने से लेके रमजान शरीफ का पूरा महीना जो है वो बड़ी इबादत का महीना होता है मुसलमानों के लिए। हर घर के अंदर ये कुरान शरीफ पूरा होता है, हर मस्जिदों में, दरगाहों पर, घरों में छोटे छोटे बच्चे जो ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो अपने घरों में सब में जो इबादत करते हैं और बाज़ारों की रौनक जो है रमजान शरीफ से दिखती है साहब, खजला फैनी। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के लिए बड़ा मुबारक दिन है कि अल्लाह ताला ने आज रमजानुल मुबारक का चांद जो है हमको नसीब फरमाया। और इस मौके पर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बरकतों का और रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान शरीफ का नजूल भी हुआ और इसके तीन अशरे होते हैं पूरे रमजान में। पहला अशरा रहमतों का, दूसरा बरकतों का, तीसरा मगफरत का। तो हम इस मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने मुल्क में अमन अमान बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में बस स्टैंड स्थित उज्जीवन बैंक में बदमाशों ने 18 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देखिए, वर्ष 2021 में एक दिल्ली से ओमनी गाड़ी जा रही थी टैक्सी के रूप में, उसको सवारी बनकर के कुछ लोगों ने गाड़ी को लूटा था और काफ़ी प्रयास करके हम लोगों ने उस घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को और गाड़ी को बरामद कर लिया था। पूरा गैंग अमरोहा जनपद का था। उसी घटना का एक साथी अपराधी अमन, जो हसनपुर थाना क्षेत्र जनपद अमरोहा का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। यह एक सातिर किस्म का लुटेरा और कुख्यात अपराधी है। इस पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी तथा इसके बारे में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, गिरफ्तारी के लिए लगे हुए थे। उसी क्रम में आज एक अवसूचना थी कि इस रास्ते से होके निकलेगा। उस अवसूचना पर स्वाट की टीम और थाना अहमदगढ़ की पुलिस के द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी। अकस्मात एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़ के भागा, फिर इसके बाद गाड़ी छोड़ करके पैदल जंगल की ओर भागा। एटा में सरकारी जमीन कब्जा कर बनाई गई करोड़ों की इमारत को प्रशासन की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। बता दें, बिल्डिंग के मालिक बलवीर सिंह को नोटिस देकर 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए गए। दरअसल एक अवैध निर्माण है यहाँ पर, तो अवैध निर्माण को पहले से नोटिस भी दिया गया था, इनको संज्ञान में लाया गया था, परंतु 31 तारीख का टाइम दिया गया था परंतु हटाया नहीं गया। और इसके तहत विनिमय क्षेत्र के द्वारा आदेश किया गया ध्वस्तीकरण का और उसके अंतर्गत कार्रवाई कराई जा रही है। हमीरपुर में चैत्र के नवरात्रि के अवसर पर माँ चौरी देवा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मंदिर में भक्तों ने माता के जयकारे भी लगाए। अब कोरोना काल से मुक्ति मिली है तो उस मुक्ति को देखते हुए जन सैलाब आप देख ही रहे हैं। सुबह से तांता लगा हुआ है भक्तों का, महिलाओं की विशेष भीड़ है, पुरुषों का भी आना जाना है और आस्था के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना वंदना हो रही है। तन मन धन जिसका जो भाव है उस भाव को माँ के सामने अर्पित किया जा रहा है। प्रशासन भी सुबह से हमारी बड़ी मदद कर रहा है, बड़ी सहायता कर रहा है। सुबह से कई राउंड मारे उन्होंने, तो प्रशासन की भी हमारे मंदिर में बड़ी सहायता है, बड़ी मदद है उनकी। और सायंकाल जो है 7:30 बजे निर्धारित हुआ है आरती का समय।
हमीरपुर में अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधारने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने भी थानों का निरीक्षण शुरू कर दिया, जिसके तहत एसपी ने राठ कोतवाली का निरीक्षण कर दस्तावेज और शास्त्रों की जाँच की है। साथ ही महिला डेस्क रजिस्टर सहित थाने के अन्य कार्य पर जाँच कर सुधार के निर्देश दिए हैं। राठ कोतवाली का वार्षिक मुआयना किया गया। मुआयना के अंतर्गत न सिर्फ अभिलेखों का रखरखाव चेक किया गया, अपितु कार्यालय और संपूर्ण परिसर का भ्रमण करके ये देखा गया कि जहाँ भी कर्मचारी रह रहे हैं उनको कोई असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, अभिलेखों का रखरखाव ठीक है अथवा नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यावधिक कर दिया गया है कि नहीं, जो सरकारी संपत्ति है उनका मिलान कराया जा रहा है, इन विभिन्न उद्देश्यों के लेकर के ये मुआयना किया जा रहा है, जिससे कि थाने की जो कार्यप्रणाली है उसको बेहतर बनाया जा सके और कर्मचारियों के कल्याण के हितों को ध्यान रखते हुए और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। कासगंज में आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, खेत पर गए किसान पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई है। वही किसान की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, वो हमारे ये भाई थे, ये सोच के लिए सुबह जा रहे थे, तो आवारा जो सांड हैं ये तो वहीं घूम रहा था, उसने पीछे से आके उनको दबोच लिया और कई बार उन्हें टक्कर मारी, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा चीख पुकार हुई तो उन्होंने देखा गया तो देखा भाग गए, तो उसको बचाया, बचाने में थोड़ी बहुत सांस थी, फिर उनको लाया गया। ये ऐसे कई आवारा सांड वहाँ घूमते हैं, तो उनको फिर यहाँ जिला हॉस्पिटल लाया गया, तो आते ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। यहाँ पे इमरजेंसी विभाग में एक मरीज आया था, मरा हुआ था, इसका नाम राम नरेश था, जिसके परिवारजनों के द्वारा बताया गया था कि उसको सांड ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई, जो नंगला छवि ब्लॉक पटियाली का रहने वाला है। हरिद्वार के श्यामपुर थाने क्षेत्र में गाजीवाला में नवरात्र में फलहार माने जाने वाला कुट्टू का आटा खाने से अब तक 100 के करीब लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनका इलाज चल रहा। भाष्वर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था और लोगों ने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फूड्स उसको खाया था, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है, कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो सोर्स डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी अफसर को दिया था तो उन्होंने दो स्थानों को बताया है। काशीपुर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज होने पर अधिवक्ताओं ने में आक्रोश परप उठा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन कार्यालय में बैठक करते हुए काशीपुर पुलिस को चेताया कि मामले में निष्पक्षता बरती जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन छेड़ने को अधिवक्ता विवश हो जाएंगे। देखिये, ये तो निश्चित है कि जब एक समुदाय या एक व्यक्तिगत रूप से कोई झूठी FIR किसी के खिलाफ करेगा तो निश्चित रूप से रोष तो जायज़ है। भाई, जो इसका वादी राजकुमार गिरी है उसका और अध्यक्ष जी का एक छोटा सा थोड़ा सा रास्ते का विवाद है और वो ये चाहता है दबाव बनाकर कि किसी तरीके से अध्यक्ष जी से उस रास्ते को छीन लूं। इस दबाव बनाने के लिए उसने साठ गांठ कर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब साठ गांठ भाई, अगर प्रशासन ने झूठी FIR बिना जांच के की है तो प्रशासन से भी हो सकती है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव पर ये झूठा मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस कभी सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं करती है, वो हम लोगों को वकीलों को 156(3) में आना पड़ता है,
ये कोई इसमें ना ही इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर की गई, ना ही ये पता लगाया गया भाई घटना में कौन कौन लिप्त है, घटना कहाँ हुई और कहाँ से जोड़ी गई, ये पूरी सत्यता से परे है। इसमें कोई भी गुंजाइश, मौके पर हम भी गए थे, सिरसा पुलिस क्षेत्र अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और हमारा वकीलों का प्रतिनिधिमंडल गया, हम मौके पर गए, लेकिन पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने हमसे कोई बात नहीं की और ना ही हमसे पूछा गया, ना ही हमसे कोई सबूत मांगे गए, और ये बिना हमें सुने राजनीतिक दबाव के कारण ये झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई। पीलीभीत में अनियंत्रित पिकअप वैन निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई, जिसके चलते सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, इसके सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसके चलते लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुद्रपुर में एसओजी की टीम ने 10 सालों से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल कुमार को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हमारा पीएचक्यू से भी अभियान चल रहा है, डीजीपी सर का भी अभियान चल रहा है, और जब से मैंने चार्ज लिया है तब से मैंने इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी, पकड़ दकड़ और अग्रिम कानूनी कार्रवाई का अभियान चला रखा है। सरकार का भी यही मंशा है कि जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स है उनको प्रॉपर जो लीगल कार्रवाई है वो होना चाहिए, इसी के तहत हमने अभियान चलाया है। तो अभियान के तहत आज हमको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। 10 साल से फरार 10,000 रुपये का इनामी है श्री अनिल कुमार उर्फ गुड्डू, वो हमें आज पकड़ में आया है और इतना अच्छा सफलता मिला है। तो इनके अपराध के बारे में बात करें तो वर्ष 2012 में इनके ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। असल में मुकदमा तो 420, 467, 68, 71 का है, पर उसके अपराध संगीन है। इनके दोनों बच्चे जो है एक ब्रूटल मर्डर में वांटेड थे, तो उस मर्डर को बचाने के लिए इसने जाली मार्कशीट बना के, जाली 10th का ये सब का बर्थ सर्टिफिकेट बना के उनको जुवेनाइल साबित करने में वो कर दिया गया। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो भी पता चला कि उनको तो नॉर्मल सजा हुई और नॉर्मल रूप से उनको ये कर दिया गया। कबीरदपुर की लाइफलाइन रही कल्याणी नदी आज गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है और अपना कल्याण होने का इंतजार कर रही है। तांडा जंगल में बहने वाली कल्याणी नदी का पानी बेहद साफ और पीने योग्य है, लेकिन रुद्रपुर शहर में पहुंचते ही नदी 30 फुट की बजाय 6 फुट के गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। वहीं नगर निगम ने 2 साल पहले सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों के साथ कल्याणी पूर्ण जीवन अभियान शुरू किया था। कुछ समय चलने के बाद कोरोना काल में अभियान पर ब्रेक लग गया था। वहीं नदी की दुर्दशा पर पर्यावरण संरक्षण में जुटे लोग खासा निराश हैं। दिनेशपुर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू समाज के लोगों ने हिंदी नव वर्ष बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग आईटीआई दिनेशपुर ग्राउंड में भी एकत्रित होकर जय श्री राम के नारे लगाए और विशाल रैली भी निकाली। हमारे पूर्वजों ने सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की गणना करके नववर्ष प्रतिपदा का जो आरंभ किया है, जो प्रकृति आध्यात्म और देवी शक्तियों के साथ में मेल करके हम सभी को इस अपनी प्राचीनतम धरोहर, हमारी संस्कृति और नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। समस्त हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ कि शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हर वर्ष इसको नववर्ष प्रतिपदा को धूमधाम से मनाएं और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संजो कर हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनके हाथ में दें। कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ लक्सर के खंडजा कुतुबपुर में महंगाई मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कांग्रेस के जिला महासचिव पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रसोई गैस डीजल पेट्रोल पर लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर अपनी पीठ पर रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। देश के अंदर जिस तरीके से गैस के सिलेंडर पर 250 रुपये परसों बढ़ाए हैं, पेट्रोल पर दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, क्या ये जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत का उपहार दे रही है? कौन बोलेगा इसके खिलाफ? और अभी जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले
समय में चरम पे होगी महंगाई, हमें तो यही चरम पे दिखाई दे रही है। ये भरवाया नहीं जा रहा है सिलेंडर लोगों से, आमदनी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई का संकट कैसे झिलेगा? और इसके खिलाफ कौन बोलेगा? इसके खिलाफ तो कांग्रेस के लोगों को बोलना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख है कि जहां देश के प्रधानमंत्री को डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट डाउन करना था, जनता के दिल को जीतना था, वहां उन्होंने प्रचंड महंगाई कर दी है, लोगों में बड़ी नाराजगी है।